अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज 44। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज 44। T20 सीरीज में जीत हासिल करने के बाद टीम इंडिया आज ओवल में इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेलने उतरेगी। T20 में भारत ने बैटिंग की अच्छी स्ट्रैटेजी अपनाई थी, वनडे में भी इस फलसफे को जारी रखा जा सकता है। हालांकि मैच से भारत के लिए एक बुरी खबर है कि दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ग्रोइंग की इंजरी से जूझ रहे हैं, वो इस मुकाबले से बाहर हो सकते हैं। मैच भारतीय टाइमिंग के अनुसार शाम 5 बजे से शुरू होगा, जिसे 5 बजे टॉस किया जाएगा। आगे बता दें कि भारतीय टीम में शिखर धवन की बतौर ओपनर वापसी लगभग तय है। वे कप्तान रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे और अगर विराट फिट रहे तो वो नंबर 3 पर खेलेंगे। अगर विराट नहीं खेलते हैं तो श्रेयस अय्यर को नंबर 3 पर खेलने का मौका मिल सकता है और सूर्य कुमार यादव नंबर 4 पर खेलेंगे और ऋषभ पंत नंबर 5 पर बैटिंग करते दिखाई दे सकते हैं। वही हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा बतौर ऑलराउंडर खेलेंगे। अगर भारतीय टीम बैटिंग में ज़्यादा गहराई तलाश करेगी तो शार्दुल ठाकुर को प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है और अगर बेहतर गेंदबाज की जरूरत हुई तो प्रसिद्ध कृष्णा को मौका मिलेगा और वहीं मोहम्मद शामी और जसप्रीत बुमराह का खेलना भी तय माना जा रहा है। स्पेशलिस्ट स्पिनर के तौर पर युजवेंद्र चहल खेलेंगे। आगे बता दें कि वनडे क्रिकेट में भारत के पास इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में 8 साल बाद सीरीज जीतने का मौका है। आखिरी बार 2014 में टीम इंडिया ने वहां वनडे सीरीज पर कब्जा किया था, तब बाजी 3-1 से भारत के नाम रही थी। इसके बाद 2018 में 3 मैचों की सीरीज से हमारी टीम 1-2 से हारी थी। 2019 में वर्ल्ड कप के तहत दोनों टीमों के बीच 1 मैच हुआ था जिसमें इंग्लैंड ने ही जीत हासिल की थी। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें। नमस्कार। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज 44।